अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों आज हम फिलिप लार्किन की एक और मास्टरपीस पोयम जिसका नाम है एम्बुलेंस, इसके अबाउट स्टडी करेंगे। तो दोस्तों एम्बुलेंसेस जो लिखी थी वो फिलिप लार्किन ने लिखी थी। उसकी जेनरिक की बात करें तो ये रोमांटिक पोएट्री थी, मूवमेंट पोएट्री भी इसको कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसकी थीम की बात करें तो डेथ एंड आवर ओन सेंस ऑफ आवर मॉर्टेलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ दोस्तों इसको जो रिटर्न किया गया था वो 1961 के अंदर रिटर्न किया गया था, जबकि इसको जो पब्लिश किया गया था वो 1964 के अंदर वॉल्यूम ऑफ द विट्सन वेडिंग्स के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। साथ ही साथ इसकी एज की बात करें तो ये 19th सेंचुरी रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। और इंपॉर्टेंट मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये 5 स्टैंजास पोयम है जिसके अंदर 6 लाइन हर स्टैंजास के अंदर है और इस तरह से ये 30 लाइन की पोयम बनती है। साथ ही साथ दोस्तों इस पोयम की ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले इस पोयम का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस के ऊपर पोयम लिखी गई है। खुलासा ये है कि मौत के बारे में इस पोयम में बताया गया है। इस पोयम में जब किसी शदीद बीमार को एम्बुलेंस में अस्पताल लेके जाया जाता है तो क्या होता है। राहगीर एम्बुलेंस को अपनी आम जिंदगी में जाते हुए देखते हैं। इस शख्स के सफेद चेहरे बीमारी की निशानदेही करता है और लोग इसकी एक झलक देखते हैं क्योंकि इन्हें एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर रखा जाता है। तो ये इस पोयम का इंट्रोडक्शन है। Closed like confessionals, they thread loud noons of cities, giving back none of the glances they absorb. Like glossy gray arms on a plaque, they come to rest at any curb. All streets in time are visited. बंद, बिल्कुल बंद डब्बों की तरह और वो खौफ। घूमती हुई शहरों में वो गहरी और तेज आवाजें। एक झलक भी नहीं, नहीं। हल्का चमकीला सा गिरे रंग और तख्ते पर बाजू। वो किसी भी मुसीबत पर काबू पाने के लिए आती हैं। वक्त पर हर गली में पहुंच जाती हैं। Then children strewn on steps or road, or women coming from the shops, past smells of different dinners, see a wild white face that overtops red stretcher blankets momently as it is carried in and stowed. सड़कों पर खेलते हुए बच्चे या दुकानों से आती हुई सनफ नाजुक, मुख्तलिफ खानों की महक मतलब घरों इसको सब देखते हैं। एक जंगली सफेद चेहरा ढापा हुआ स्ट्रेचर पर वो लाल सा कम्बल जैसे ले जा रहे हैं किसी बेजान को। And sense the solving emptiness that lies just under all we do, and for a second get it whole, so permanent and blank and true, the fastened doors recede. Poor soul, they whisper at their own distress. हाय, जिंदगी के खालीपन का एहसास। हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है और फिर सबके साथ। यही हकीकत है खालीपन की और यही सच है। दरवाजों को जोर से बंद करके पीछे हटते बिचारी रूह, फिर कुछ इन मुसीबतों का रोना धोना। For borne away in deadened air, may go the sudden shut of loss, round something nearly at an end, and what cohered in it across, the years, the unique random blend of families and fashions, there. गमो आलम की ये हवा जल्द ही कम होती हुई, शायद एम्बुलेंस के जाते ही दर्द भरी फिजाएं तकरीबन इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। और फिर वही जिंदगी हर तरफ, वो साल बेमिसाल बेहंगम सी तरतीब का मरकब, खानदान रिवाज और वो तर्ज जिंदगी। At last begin to loosen, far from the exchange of love to lie, unreachable inside a room, the traffic parts to let go by, brings closer what is left to come and dulls to distance all we are. आखिर जिंदगी से हुआ आजाद, ना मोहब्बत ना कोई जज्बात, ना काबिले पहुंच इस कमरे यानी कब्र के अंदर। इन गलियों में चलती हुई गाड़ियां खुद इसे रास्ता देती हैं, पास लाती हैं इसे जो बच गया फिर आने के लिए। इसका और हम सबका फासला बहुत कम। तो दोस्तों ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। साथ ही साथ इस तरह के वर्क के लिए द सलमान एकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।